फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड हियर इज योर फ्रेंड परेश। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ बैंगलोर की एक वैकेंसी के बारे में। हाँ जी, आप अगर बैंगलोर में रहते हो या आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपके पास इंडिया की नेशनलिटी है, देन ये जो वैकेंसी ये आपके लिए है। फ्रेंड्स, बेंगलुरु में एयर एशिया की वैकेंसी चल रही है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल केबिन क्रू के लिए वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आता है फ्रेंड, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर केबिन क्रू और वांट टू बिकम ए केबिन क्रू, देन दिस वीडियो गोना हेल्प यू वेरी मच। एंड इन दिस वीडियो जस्ट आई एम गोना डिस्कस अबाउट द जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंटरव्यू डेट्स, इंटरव्यू प्लेसेस एंड वेयर द बेस विल बी डिसाइडेड एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। So, ये जो वीडियो है ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी कल मिल चुका है, जो वीडियो है मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एयर एशिया केबिन क्रू के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये वैकेंसी के लिए डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सको, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को सही से पता हो। एंड ये जो वैकेंसी, ये वैकेंसी की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दिया लिंक, वो लिंक में जाके आप लोग एविएशन ड्रीमर के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो वैकेंसी की डिटेल्स। एंड फ्रेंड्स, स्टिल इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशन। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट मी, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर। एंड फ्रेंड्स, और एक चीज आप लोगों को बताना है, आप लोगों का जो भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो या ऑनलाइन अप्लाई करते हो, वहां पे रेज्यूमे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको रिज्यूमे बनाना है, सही से आप नहीं बना पा रहे हो, देन हम लोगों का एक अलग से ग्रुप बना है, जो लोग बहुत ही कम पैसे में रिज्यूम बना रहे उन लोगों से आप लोग रिज्यूमे बना सकते हो। वो लोग एक मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, आपका पुराना रिज्यूमे वो मेल आईडी में भेजना है एंड आपको भेजना है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर उसी हिसाब से जो टीम है वो लोग आपके लिए रिज्यूमे बनाएगा एंड आपको फिर कॉपी दे देंगे। एंड वो जो रिज्यूमे वो लोग बनाते हैं उसके लिए आप लोगों को 300 रुपीज चार्ज किया जाता है। 300 रुपीज में एक प्रोफेशनल रिज्यूमे आपका बन जाएगा। लेकिन आप अगर दूसरे कोई वेबसाइट में जाते हो तो वहां पे देखोगे बहुत सारे चार्जेस वहां पे लगता है। तो आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप पेड रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो। अगर नहीं बनाना चाहते हो देन ये आपके बात है, आप लोगों के लिए तो मैं फ्री सैंपल कॉपी दे ही रहा हूं। एंड ये जो वैकेंसी, ये इस वैकेंसी के लिए आप लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एयर एशिया की जो वैकेंसी है ये 2 जून तक लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने की ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बेसिकली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एयर एशिया से आपके पास मेल आएगा, मीन्स वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा कि आपको क्या क्या कैरी करना है इंटरव्यू के दिन। फिर वहां पे एक मेंशन इंटरव्यू की वेन्यू मेंशन रहेगा, जो वेन्यू में आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 9 to 11 hour मीन्स 9 o'clock to 11 o'clock इंटरव्यू की डेट है, आपको उसी टाइम के अंदर इंटरव्यू प्लेस में पहुंचना है। एंड ये जो इंटरव्यू है इसमें आपको बेस मिलेगा बैंगलोर, न्यू दिल्ली और कोलकाता, ये तीनों सिटी के अंदर कोई भी बेस आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। एंड फ्रेंड्स, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 आपके कंप्लीट होना चाहिए, आपके जो एज है वो एज 18 इयर्स की ऊपर होना चाहिए एंड आपके पास इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए। सो यहाँ पे जो हाइट रिक्वायरमेंट है, हाइट की क्राइटेरिया वो है गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स एंड फॉर बॉयज 173 सेंटीमीटर्स। सो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों को इंटरव्यू में जाने से पहले उन लोगों का जो हाइट है वो एक बार चेक कर लेना चाहिए एंड उसके बाद आपके हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग आपके बीएमआई होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हो गूगल में जाके, गूगल में आपको लिखना है कि बीएमआई कैलकुलेटर बोल के आपको लिखना है, फिर वहां पे आपको एक टूल से आएगा, फिर वहां पे आपको पुट करना है आपके हाइट एंड वेट, फिर वहां पे आपके बीएमआई शो कर देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सैप के सर्टिफिकेट चाहिए, सो सैप के सर्टिफिकेट
फ्रेशर के पास नहीं होता है, ये नॉर्मली एक्सपीरियंस जो केबिन क्रू है, अगर वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों को सैप की सर्टिफिकेट दिखाना है या आपके कॉम्पिटेंसी जो सर्टिफिकेट है, कॉम्पिटेंसी कार्ड है, वो आपको शो करना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एयर एशिया बेसिकली यूज करते है एयरबस की 319, 320 एंड 321, तो ये जो मॉडल नंबर है एयरक्राफ्ट की, एयरबस की, सो यही एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। तो जो भी केबिन क्रू एक्सपीरियंस केबिन क्रू अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों का अगर एक्सपीरियंस यही सारे मॉडल पे है तो उन लोगों का सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने बना रहा था, वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज फिर से मैं जो सेकंड क्वेश्चन के आंसर है, ये इमीडिएट एक इमरजेंसी वीडियो था, इसलिए मैं कवर अप किया। सो फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स वांट्स टू ज्वाइन इन एविएशन इंडस्ट्री। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।